हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ एनपी पीयू एंड एम फ्रॉम यूरेनियम के बारे में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो उसमें जो यूरेनियम फ्यूल होता है उसमें यूरेनियम के ये दो आइसोटॉप प्रजेंट होते हैं पहला हो जाएगा यूरेनियम 235 और दूसरा हो जाएगा यूरेनियम टू अब यूरेनियम फ्यूल में ये जो दो आइसोटॉप होते हैं वो स्पेंट यूरेनियम में भी प्रेजेंट होते हैं स्पेंट यूरेनियम का मतलब है न्यूक्लियर वेस्ट देखिए जब न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसमें स्पेंट यूरेनियम होता है मींस हम कह सकते हैं स्पेंट यूरेनियम एक तरह से अनयूज्ड यूरेनियम फ्यूल होता है अब यूरेनियम के इन दोनों आइसोटॉप्स की बात करें तो ये न्यूट्रॉन कैप्चर करके और एक बीटा पार्टिकल एमिट करके नेपट्टूनियम टू थ्री सेवन और प्लूटोनियम टू थ्री नाइन का फॉर्मेशन करते हैं देखिए इस रिएक्शन को देखें तो यूरेनियम टू थ्री फाइव एक न्यूट्रॉन गेन कर रहा है और यूरेनियम टू थ्री सिक्स में कन्वर्ट हो रहा है अब यूरेनियम 236 एक न्यूट्रॉन गेन करके यूरेनियम 237 में कन्वर्ट हो रहा है अब ये जो यूरेनियम टू थ्री सेवन है अगर एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो वहां पर नेप्टूनियम टू थ्री सेवन का फॉर्मेशन होता है अब इसी तरह से यूरेनियम टू थ्री एट की बात करें तो ये एक न्यूट्रॉन गेन करके यूरेनियम टू थ्री नाइन में कन्वर्ट हो जाता है अब यूरेनियम टू थ्री नाइन जब एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो ये नेपट्टूनियम टू थ्री नाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और नेप्टूनियम 239 जब एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है इसी तरह से एमेरिशियम 241 की बात करें तो जब प्लूटोनियम 239 एक न्यूट्रॉन गेन करता है तो ये प्लूटोनियम 240 में कन्वर्ट हो जाता है और जब प्लूटोनियम 240 एक न्यूट्रॉन गेन करता है तो ये प्लूटोनियम 241 में कन्वर्ट हो जाएगा अब प्लूटोनियम 241 जब एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो वो एमरीशियम 241 में कन्वर्ट हो जाएगा अब इन तीनों रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शंस शो कर रही हैं कि यूरेनियम जो है वो नेपटोनियम और प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो सकता है और प्लूटोनियम की बात करें तो वो एमरीशियम में कन्वर्ट हो सकता है तो हम कह सकते हैं जो स्पेंट यूरेनियम फ्यूल है उसमें अनचेंज यूरेनियम नेप्टूनियम प्लूटोनियम एमेरियम और कुछ फिजन प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है जो कि साइमल्टेनियसली बनते रहते हैं यहाँ पर जो दूसरे फिजन प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एफ पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे अब देखिए स्पेंट यूरेनियम फ्यूल या स्पेंट रिएक्टर फ्यूल मटेरियल में जो नेपट्टूनियम प्लूटोनियम एमेरिसियम और यूरेनियम प्रजेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं जिनमें से हम यहाँ पर दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे पहला मेथड हो जाएगा फ्लोराइड प्रेसिपिटेशन मेथड और दूसरा मेथड हो जाएगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड अब बात करते हैं फ्लोराइड प्रेसिपिटेशन मेथड की तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर से जो न्यूक्लियर वेस्ट या स्पेंट यूरेनियम मेटेरियल निकलता है उसमें इन एलिमेंट्स और एफ का मिक्सर होता है अब इस को 100 के लिए में रख दिया जाता है अब इस ड्यूरेशन में जो हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जैसे आयोडीन के आइसोटॉप हो गए वो क्या हो जाते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं और उनके इन एक्टिवेशन से हीट जनरेट होती है अब हंड्रेड डेज के बाद जो मिक्सर मिलता है उसको हम सेवन एम नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व कर लेते हैं अब ये एलिमेंट्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके नाइट्रेट्स बन जाते हैं अब नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हम SO2 की प्रजेंस में करते हैं फिर इसकी रिएक्शन HF के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन होगा उसमें यूरेनिन नाइट्रेट प्रेजेंट होगा और जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें इन तीनों आयंस के फ्लोराइड प्रेजेंट होंगे अब यहाँ पर इन तीनों आयंस के फ्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है उसको H2SO4 में डिजोल्व करेंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन ब्रोमेट की प्रेजेंस में करेंगे फिर उसकी रिएक्शन HF के साथ करवाएंगे तो फिर यहाँ पर एक मिलेगा सॉल्यूशन जिसमें कि नेप्चूनियम का फ्लोराइड होगा और एक बनेगा प्रेसिपिटेट जिसमें प्लूटोनियम और एमरिशियम के फ्लोराइड्स होंगे इसके साथ-साथ एफपीएस के फ्लोराइड भी प्रेजेंट होते हैं अब इस प्रेसिपिटेट का हम ऑक्सीडेशन एजी प्लस के परसल्फेट की प्रेजेंस में करवाएंगे फिर उसकी रिएक्शन जब एचएफ के साथ करवाते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें प्लूटोनियम का फ्लोराइड प्रेजेंट होगा और जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसमें एमरीशियम का फ्लोराइड प्रेजेंट होगा और साथ में एफ पी एस पी प्रेजेंट होंगे अब इस प्रेसिपिटेट के आयन एक्सचेंज के थ्रू हम एमरीशियम थर्ड आयन को सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से इस मेथड के थ्रू जो सेपरेशन करते हैं उसमें ये तो हो गया एमरीशियम ये हो गया प्लूटोनियम और ये हो गया नेपटोनियम अब बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की तो देखिए इस मेथड में सबसे पहले हम स्पेंट यूरेनियम फ्यूल मटेरियल को 7M नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे अब इस रिएक्शन से इनके नाइट्रेट्स बन जाएंगे अब नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्यूशन को जब हम 2% ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट और केरोसिन के मिक्सचर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर दो सॉल्यूशन मिलते हैं देखिए ट्राइब्यूटाइल ब्यूटाइल फॉस्फेट की बात करें तो उसको हम टीबीपी कहते हैं जो कि एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है अब टीबीपी लेयर की बात करें तो इसमें हमें यूरेनिल और प्लूटोनियम ट्राइनाइट्रेट का मिक्सर मिलेगा और एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें हमें इन तीनों का मिक्सर मिलेगा अब पहले बात करते हैं टीबीपी लेयर की देखिए जब इसको हम SO2 के साथ रिड्यूस करते हैं और वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें दो कंपाउंड अलग अलग लेयर्स में में मिलेंगे आयन होगा और एक्वस लेयर की बात करें तो उसमें प्लूटोनियम ट्राइनाइट्रेट प्रजेंट होगा अब यूरिनिल को जब हम पॉइंट टू नाइट्रिक एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक्वस यूरिनिल नाइट्रेट मिलेगा और जब इसको एवोपरेट करते हैं तो हमें इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से के थ्रू रिमूव हो जाएंगे जब इस को 400 पर हीट करते हैं तो हमें यूरेनियम ट्राईऑक्साइड मिलता है अब इसकी रिएक्शन एच के साथ 700 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो हमें यूरेनियम डाइऑक्साइड मिलता है प्लूटोनियम ट्राइनाइट्रेट की बात करें तो इसको अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एक्वस प्लूटोनियम टेट्रानाइट्रेट मिलता है अब इसको अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें प्लूटोनियम ऑक्सलेट मिलेगा और इसको जब हम 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमें प्लूटोनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा अब इस मिक्सचर की बात करें तो जब इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो नेपटोनियम इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा जिसको हम सेपरेट कर लेंगे और एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एमरीशियम और एफपीएस प्रेजेंट होंगे अब यहाँ से जो एमरीशियम है उसको हम आयन एक्सचेंज के प्रोसीजर के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं तो इस तरह से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की हेल्प से हम स्पेंट यूरेनियम फ्यूल में जो एमेरिसियम नेप्टोनियम प्लूटोनियम और यूरेनियम प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं